गाइस इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं आपको बताने वाला हूँ YouTube शॉर्ट्स चैनल के बारे में। YouTube शॉर्ट्स चैनल अगर आप स्टेटस वाला अपलोड कर रहे हैं सो यहाँ पे इस भाई को आप देख लीजिए। ये भाई ने जो है क्या किए हैं, कुछ गलतियाँ की हैं अपने चैनल पे गलतियाँ किए थे और ये चैनल जो है उसके चैनल जो है अभी YouTube से हटा दिए हैं और YouTube जो है टर्मिनेट कर दिए हैं। कुछ भाई ने जो कुछ गलत चीज बता दिए थे, कुछ गलत तरीके से यानी गलत चीज कर लिए थे अपने चैनल के साथ, सो इसी के कारण जो है यूट्यूब उसके चैनल को टर्मिनेट कर दिया है। सो ये गलती नहीं करना है, पहले तो आप भाई से यहाँ पे कुछ सुन लो। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं रायबरेली जिले में एक छोटे से गांव में रहता हूँ। स्ट्राइक की वजह से मेरा चैनल डिलीट हो गया, मैंने अदर वीडियो डालकर गलती। सो गाइस भाई का पूरा और भी सारे वीडियोस हैं, मुझे जो है इंस्टाग्राम से कांटेक्ट किए थे, भाई ने बोले कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं बोला कि ठीक है आप जो है अपने चैनल का डिटेल्स दो, अपने बारे में कुछ बताओ, क्या किए थे नहीं किए थे सारा चीज बताओ, मैं आपको कोशिश करूंगा यहाँ पे कुछ समझाने का। ओके, सो इस भाई का जो न्यू आईडी है वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहाँ पे जाके आप इसे फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो यहाँ पे कुछ गलती किए थे, ये गलती आपको नहीं करना है भाई। इसके और भी वीडियोस से यहाँ पे साउंड जो है भाई के बहुत स्लो आ रहा था, इसलिए मैं वहाँ पे स्किप कर दिया। सो आपको क्या करना है, कुछ गलती है उसे आपको बचना है। अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ओके, यानी दूसरे का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, भाई भी क्या कर रहे थे, दूसरे का कंटेंट इस्तेमाल किए थे, यानी स्टेटस चैनल था लेकिन दूसरे का जैसे सीरियल वीरियल का रहता है, शो का रहता है, वहाँ से वीडियोस को लेके यहाँ पे वो क्या करते थे, सिर्फ उस पर जो है टाइपिंग वुपिंग कर देते थे, बस हो गया स्टेटस वाला। सो आपको भी ये अगर आप ये गलती करते हैं तो बिल्कुल आपको ये गलती नहीं करना है, नहीं तो क्या होंगे कि इन फ्यूचर में कभी भी कुछ भी आपके चैनल को यहाँ पे रिमूव कर देंगे यूट्यूब। सो आपको क्या करना है, जो स्टेटस वाला चैनल है स्टेटस किस हिसाब से बना सकते हैं। एक तो प्रॉब्लम ये आता है कि समझ नहीं आता है लोगों को कि जो है शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हैं स्टेटस वाला, सो किस टाइप के हम करें। ओके, यानी जो सो जहाँ से वीडियोज ले लेते हैं अपलोड कर देते हैं। सो आपको क्या करना है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। स्टेटस वाले चैनल के लिए आप फोटोज ले लेना है कॉपीराइट फ्री वाला, वीडियोस नहीं लेना है, फोटोज लेना है। फोटोज आप कहाँ पे ले, कहाँ से ले सकते हैं, गूगल पे आपको सर्च कर लेना है कॉपीराइट फ्री जो है फोटोज इमेज कुछ भी टाइप करके आपको सर्च कर लेना है, मिल जाएंगे काफी सारे। एंड सेकेंड क्या है, ये एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएंगे। सो इस एप्लीकेशन से भी आप जो है यूज कर सकते हैं फोटोज को, काफी लोग जो है इसी एप्लीकेशन से यूज करते हैं, गूगल से भी मिल जाएगा आपको। सो ये दोनों तरीका है जहां से आप फोटोज को ले सकते हैं अपने स्टेटस चैनल के लिए। सो ये चीज आप ले लिए। अब आपको करना क्या होगा, स्टेटस के लिए फ्री वाला म्यूजिक जो है वो आपको लेना होगा। यहाँ पे यूट्यूब खुद आपको बता रहा है कि फ्री वाला म्यूजिक आपको कहाँ से लेना है। सो इसका एक अलग से वीडियोस ऑलरेडी मेरे इस चैनल पे अपलोडेड है, वो आपको इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको क्या ऑल यूट्यूब टिप्स जो प्लेलिस्ट का नाम है उस पर आप क्लिक करोगे, सो वहीं पे आपको यूट्यूब के हर एक वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं इस वीडियोस को। सो ये देखने के बाद आप जो है उस जो साउंड को इस्तेमाल कर सकते हैं जो बिल्कुल कॉपीराइट फ्री वाला है। यूट्यूब आपको खुद बता रहा है कि आपको कॉपीराइट फ्री वाला म्यूजिक कहाँ से लेना है, वही चीज़ मैं आपको उस वीडियोस पे बताया हूँ एंड सही तरीके से आपको यूज़ करना भी बताया हूँ। सो उस वीडियोस को जरूर देख लेना इस वीडियोस को देखने के बाद, या फिर इसी वीडियोस को आपको इसी वीडियोस के लास्ट में मिल जाएंगे। ओके, सो आपको क्या करना है, फ्री वाला म्यूजिक ले लेना है एंड जो गूगल से या फिर इस एप्लीकेशन से जो जो तरीका बताया फोटोज आपको ले लेना है, ले लिए। अब आपको क्या करना है, एडिट करना है। एडिट करने के वक्त आपका स्टेटस जाहिर सी बात है कि शॉर्ट ही रखना है। सो आपको क्या करना है, एडिट करने के वक्त आप अगर टाइप करना चाहते हैं तो टाइप कर सकते हैं, या फिर आप अगर कुछ और उस पर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, कुछ कार्टून वर्टून लगा के कुछ और चीज़ करना चाहते हैं सो वो भी कर सकते हैं। सो कार्टून वाला जो है वीडियोस अगर आपको लेना है सो आप कहाँ से ले सकते हैं, गूगल पे जाना है, कॉपीराइट फ्री कार्टून जो है वीडियोस आप शॉर्ट्स वीडियोस सर्च करोगे काफ़ी सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। सो वहाँ पे आपको जाना है, सर्च कर लेना है, वहाँ से आपको इंस्टॉल अपने डिवाइस में ले लेना है। सो लेने के बाद वहाँ से अगर आप जो है सिर्फ जो है टाइपिंग वाला जो रहते हैं स्टेटस वो अगर आप बनाना चाहते हैं सो फोटोज पे आपको क्या करना, टाइपिंग करके आपको बना लेना है। ये अगर आप इस तरीके से यूज करते हैं एक वीडियोस, एंड दूसरा क्या है कि अगर आप कार्टून वाला जो करते हैं सो वो भी कर सकते हैं। सो ये दोनों तरीके से आपको क्या करना है, अपने वीडियोज को अच्छे तरह से एडिट कर लेना है, उसके बाद ही आपको पोस्ट कर देना है। पोस्ट करने में आपको डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, टेक्स्ट में, सारा चीज में आपको जो है यूज़ करना है, टैग यूज़ करना है, एंड जो चीज़ आप स्टेटस में जो दी हैं सैड स्टेटस या फिर जो है हैप्पी वाला स्टेटस या फिर
कोई और भी स्टेटस है, कुछ भी अगर आप लिखे जो है बताए हैं, वो चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है, टैग में, टाइटल में, या सारा चीज में आपको देना है। सो इस तरह करके आपको क्या करना है, अपने शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड करना है जो स्टेटस वाला है। अगर आप ये गलती करते हैं, यानी जो है यहाँ से आप नहीं लेते हैं, आप क्या करते हैं, किसी मूवीज़ का हो गया, किसी जो है शो का हो गया, किसी सीरियल वीरियल क्या होगा, वहाँ से वीडियोज़ को कट करते हैं और अपने शॉर्ट्स चैनल पर अपलोड कर देते हैं। सो कभी भी कुछ भी हो सकता है, जिस तरह से इस भाई के साथ हुआ है। सो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप इस चीज़ को गलती करते हैं, पहले से आपको मालूम नहीं है ये गलती करते हैं, सो जल्द से जल्द आप क्या कीजिए, अपने चैनल के जो भी वीडियोस है उसको आप रिमूव कीजिए, हटाइए, और जो तरीका मैं बताया उसे आप यूज़ कीजिए। नहीं तो अगर आप दूसरे का वीडियोस अगर यूज़ करते हैं, सो जिस तरह से इस भाई के साथ हुआ, अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी थे, उसके बाद भी चैनल डिलीट हो गया, सो इसके साथ क्या पता आपके साथ भी हो सकता है। सो आपको इस चीज़ से बचना है। सो स्टेटस वाला के लिए जो तरीका मैं बताया, ये तरीका बेस्ट तरीका है, इसे आप फॉलो कीजिए। उम्मीद है कि आप यहाँ पे समझे हैं जो यहाँ पे बताने का कोशिश किया हूँ, और ये गलती से आपको बचना है। सो आई होप कि आप इस वीडियोस को पूरा देखे हैं और काफ़ी कुछ सीखे हैं। सो इसी तरह अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी अगर आपको सीखना है, सो अभी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। इंस्टा फेसबुक या के फॉलो कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सो वहाँ से भी आप सोल्यूशन ले सकते हैं। काफ़ी लोग जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले रहे हैं, जिस तरह से इस भाई ने लिए। सो मैं इस भाई को भी जो है कहूँगा कि अगर आप इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, सो जो तरीका बताया उसी तरीके से आप जो है फॉलो कीजिए, एंड उसी तरीके से वीडियोज़ को आप अपलोड कीजिए अपने चैनल पर, न्यू चैनल बना लिए हैं तो। ओके, अगर आप फिर से वही गलती करेंगे, दूसरे का वीडियोज लेंगे, सो इन फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। सो आपको कैसा लगा ये वीडियोस, कमेंट पे आप जरूर बताइए, और इस वीडियोस को एक लाइक तो बनता है यार। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे नेक्स्ट डे।